मैं हूँ आपकी होस्ट स्मिता, वेलकम टू कालेमेज। दोस्तों, मेरे हस्बैंड रोज अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाते हैं और अलग अलग रास्तों पर भागते हुए कहाँ पे कौन सा नया रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट खुला है इसकी भी जानकारी रखते हैं। ऐसे ही एक बार औंधवाड़े रोड पर भागते हुए उन्होंने नोटिस किया एक कोल्हापुरी आउटलेट खासबाग मिसल। वहां पर हमने दो तीन बार कोल्हापुरी ऑथेंटिक मिसल ट्राई की, जो स्पाइसी होने के साथ साथ काफी फ्लेवरफुल थी। आज वही ऑथेंटिक रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कोल्हापुरची झणझणीत मिसल। कोल्हापुरी मिसल हम बना रहे 5 से 6 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 250 ग्राम स्प्राउटेड मटकी यानी कि मोट बीन्स। मटकी को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। बाद में इसका पानी निकाल कर एक कपड़े में लपेट कर 7 से 8 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे रख दिया ताकि इसमें स्प्राउट्स निकल आए। 300 ग्राम प्याज लंबाई में कटा हुआ, जिसका इस्तेमाल हम मसाले में करेंगे, और 200 ग्राम प्याज फाइनली चॉप्ड, जिसका इस्तेमाल हम तड़के में करेंगे। 60 ग्राम ग्रेटेड सूखा नारियल, 200 ग्राम बारीक कटे हुए टमाटर, 1 टीस्पून राई, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून सफेद तिल, 1 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 कप फ्रेश धनिया। मिसल में हम इस्तेमाल करने वाले हैं कोल्हापुर के स्पेशल मसाले यानी कि 4 टीस्पून जवारी मिर्च पाउडर, ये कोल्हापुर के हर मसाले में इस्तेमाल की जाती है, और 6 टीस्पून कांदा लहसुन मसाला। ये मसाले आपको किसी भी किराने के दुकान में इजीली मिल सकते हैं। कुकिंग ऑयल और नमक। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे लंबाई में कटा हुआ प्याज, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक प्याज भून रहा है, आइए तब तक तिल और नारियल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तिल को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट में तिल हल्के ब्राउन हो गए हैं। आइए अभी इन्हें निकाल लेते हैं और कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट में नारियल रोस्ट हो गया है। आइए इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। पंद्रह मिनट में प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम गैस बंद कर लेंगे और इसे भी पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आइए अभी मसाला पीस लेते हैं। ग्राइंडर के जार में मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट किया हुआ कोकोनट और तिल डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक, धनिया, भुना हुआ प्याज, इन सबकी हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा मसाले का पेस्ट तैयार है। इसे पीसते वक्त मैंने लगभग आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना फाइन पीसा है। आइए अभी आगे की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 5 टेबलस्पून तेल गरम होने के लिए रखा है। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे राई, हींग, फाइनली चॉप प्याज। प्याज को हम नरम होने तक भून लेंगे। लगभग 5 मिनट में प्याज नरम हो गया है। अब हम इस पर डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को हम पूरी तरह से गलने देंगे। टमाटर को जल्दी गलने के लिए डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। लगभग 7 से 8 मिनट में टमाटर अच्छे से गल गए हैं।
अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी को स्टर कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटकी। मटकी को हम 8 से 10 मिनट तक इस मिक्सचर में भून लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल निकल जाए। मटकी को 10 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ज्वारी मिर्च का पाउडर, कांदा लहसुन मसाला और हमने जो मसाला पीसा है वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। आइए इन सबको अच्छे से एक साथ भून लेते हैं। मसाले को भूनने के लिए हम आधा कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। मटकी को मैंने सारे मसालों के साथ 7 से 8 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 कप गरम पानी। स्वादानुसार नमक, और मध्यम आंच पे एक बॉईल आने देंगे। मटकी में बॉईल आ गया है। मैंने पहले 4 कप पानी डाला था, मैंने और 2 कप पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट की है। आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। मटकी भी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और मिश्रण को सर्व करेंगे। मित्रांनो, कोल्हापूरचे झणझणीत मिसळ तयार आहे। मिसळ को हमने गार्निश कर लिया है चटपटे फरसान के साथ और साथ में ही एक बोल में इसका अलग रस्सा भी परोस लिया है जिसे कट कहते हैं। साथ में कच्चा प्याज और नींबू देना भूलिएगा मत। अगर आप कोल्हापुर के कोई भी रेस्टोरेंट में मिसळ ऑर्डर करेंगे तो इसी रूप में वो आपके टेबल पर परोसी जाएगी। तो दोस्तों, बनाइए इस ऑथेंटिक डिश को अपने घर में और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी काली मिर्च पर smita.com पर। टिल देन कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।